अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून. नाउ इंडीड टुडे इज द प्रिविलेज एंड ऑनर टू हैव डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर मिस्टर सैयद ख्वाजा मुकर्रम. थैंक यू वेरी मच सर. सर इज द डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर फॉर चारमीनार एंड बहादुरपुरा जोन. सो वी आर वेरी मच हैप्पी टू वेलकम यू इन आवर चैनल सर. थैंक यू सो मच. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर ऑफिस. It is very fortunate for us that you have come, and we will be able to give something, some information, whatever possible. Thank you very much, sir. Indeed, I mean, a great personality. You know, he is so humble, and since we requested, and you know, why we are here is we just want to ask what are the, problems faced by parents, teachers, students, and in fact government faculties, all those things, sir. So thank you very much, sir. बस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब किस तरह से education का माहौल पैदा हुआ है सर, अब फिलहाल जो covid चल रहा है. इस वक्त तो covid की वजह से जो problems हैं, जो social distancing maintain करते हुए जी अपने day to day activities को carry on करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी कोशिश की गई कि पूरे प्रिकॉशंस को मेंटेन करते हुए बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दिया जाए. और ऑनलाइन एजुकेशन ये जो है सितंबर 1 से शुरू हो गया जी गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ से. अच्छा, पहले तेलुगु में जो है लेसन्स आए थे, फिर उसके बाद उर्दू और इंग्लिश में भी जो है लेसन्स रिले हुए. टी वी चैनल्स, यादगिरी चैनल, डी डी चैनल्स के ज़रिए से टाइमिंग्स इसके मौजूद हैं. और डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से टाइम टेबल दे दिया जाता वेल इन एडवांस, तो वो टाइम टेबल पूरे प्रिंट मीडिया के ज़रिए से और फिर जो है न्यूज़ के ज़रिए से मालूम हो जाता हूँ. व्हाट्सएप ग्रुप्स पूरे स्कूल्स में बने हुए हैं. अच्छा, तो पूरे स्कूल्स के व्हाट्सएप ग्रुप क्लास वाइज ये बच्चों को जो है इंफॉर्मेशन हेडमास्टर्स, टीचर्स, स्टाफ में और स्टूडेंट्स में जो है पहुंच जाता हूँ. और उनको टाइम टेबल भी मालूम हो जाता कब कौन सी क्लास है, तो क्लास के लिहाज से वो लेसन्स जो है रिले होते हैं, बच्चे उसको वॉच करते हैं, देखते हैं. और गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए बिलखसूस तो यहाँ का स्टाफ जो है बच्चों से कॉल करके मालूम करता कि क्लास अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कौन सा हर क्लास टीचर जो है इंफॉर्मेशन बच्चों को पास ऑन करते रहता और बता देता कि आज ये क्लास है और ये टाइमिंग्स हैं और इसमें जो है ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे. तो ख्वाजा मुकर्रम सर, आप जैसे प्राइवेट स्कूल्स में किस तरह चल रहा है? प्राइवेट स्कूल्स में भी जो है ऑनलाइन क्लासेस उनका स्टाफ जो है ले रहा, वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के जो है वीडियो लेसन्स बना लिए वो लोग और उसको बच्चों तक जो है पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं. आपका कुछ एक आइडिया है कि SSC एग्ज़ाम्स कब होंगे? कुछ ऐसा आपके पास कुछ आइडिया है सर? तो हम सब इसी उम्मीद पर हैं कि SSC एग्ज़ाम्स हो जाए मई जून में, तो उसके लिए कोशिश तो चल रही और डिपार्टमेंट की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी कोशिशें रही कि बच्चों का जो है एजुकेशनल लॉस ना हो, बच्चों का एजुकेशन जो है ये कंटिन्यू रहें और बच्चे जो हैं इस साल को वेस्ट ना करें. तो इसके लिए 3rd to 10th क्लास के ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर हो रहे और पूरा स्टाफ जो इसमें लगा हुआ है, पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया गया स्कूल्स में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चों के पास स्मार्टफोन्स हैं, टीवीज हैं और दूसरे लैपटॉप्स वगैरह हैं, डिवाइसेस वगैरह. तो उस डेटा के लिहाज से कोशिश ये की है कि एक भी बच्चा ना छूटने पाए. और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट्स में भी रहें तो वहाँ से उनका कांटेक्ट नंबर वगैरह लेके उन तक भी जो है वो टाइम टेबल पहुँचा दें और व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए से वर्कशीट्स SCRT स्कूल काउंसिल क्या स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यहाँ जो है टाइम टेबल वगैरह बनाया गया, सिलेबस के बारे में भी जो है बताया गया कितना सिलेबस रहेगा, कैसा रहेगा, कितना कवर करना है, तो ये पूरी चीज़ें आ गई और ये बच्चों तक जो है बात पहुंच रही. और हमारे पास हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में DEO हैदराबाद की तरफ से डिजिटल लेसन्स जो है तैयार किए गए इंग्लिश और उर्दू मीडिया के लिए,
ये जो है सर डिजिटल आप जो कह रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल की बात चल रही है या एडेड स्कूल्स की बात चल रही है या गवर्नमेंट स्कूल्स की बात? एडेड और गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है जी। और ये डिजिटल लेसन्स का जो लिंक है जी, जिसको यूट्यूब में भी अवेलेबल अलॉट कर दिया गया और किसी भी टाइम बच्चे जो है उसको लिंक के जरिए से जो है देख सकते हैं, तो इस हर एक के लिए लिंक हर एक को बता दिया गया। प्राइवेट स्कूल्स को भी लिंक जो है फॉरवर्ड कर दिए गए, अगर वो चाहें भी तो उनके बच्चों को बताकर उस लिंक के ज़रिए से बच्चों को क्लासेस ऑब्जर्व करने के लिए कह सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स वाले तो फ़ायदा उठा रहे गवर्नमेंट और एडेड स्कूल में। प्राइवेट स्कूल्स में अगर कहीं डिफ़िकल्टी है, सब्जेक्ट टीचर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें, अगर इफ़ यू कैन एलाबोरेट, अगर कुछ आप इसके बारे में लेसन है ना जी, लेसन्स अपलोड कर दिए गए। अच्छा, अपलोड कर चुके हैं तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चे, तो वो कोई स्पेशल लिंक है? लिंक है, लिंक तो आप लोग प्राइवेट स्कूल में भी दे रहे हैं? हाँ जी हाँ, दे लिंक सबको पहुंचा दिए, ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे पास जी, प्राइवेट स्कूल्स के, गवर्नमेंट स्कूल्स के और एडेड स्कूल्स के हेडमास्टर्स के, करस्पॉन्डेंट्स के जी। तो इन ग्रुप्स में हम जो है लिंक्स जब भी आगे पहुँचा दिए, काफ़ी अर्सा हो गया चूँकि 1 सितंबर से सारी चीज़ें शुरू हो गई, शुरू होकर भी जो है काफ़ी अर्सा हो गया, 2-3 महीने। हाँ, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है, यानी कि वो लोग लिंक बना चुके हैं जो कि ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड है जी, वो जी, या कैसा क्या सिस्टम है? प्री रिकॉर्डेड है, बस प्री रिकॉर्डेड है, उर्दू इंग्लिश के लेसन वगैरह। अच्छा, और बाकी जो है रिकॉर्ड होने वाले हैं, DD चैनल्स हैं, तो चैनल के ज़रिए से यादगिरी चैनल है, इसके ज़रिए से ये तेलुगु मीडियम के लेसन अवेलेबल हैं, इंग्लिश और उर्दू मीडियम के लिए ये डिजिटल लेसन्स डिजिटल लाइब्रेरी में मौजूद हैं, वो लिंक को ओपन करके बच्चा जब चाहे उसको देख सकता, ऑब्जर्व कर सकता हूँ। अक्सर ये सुनने में आ रहा, बच्चे जो हैं शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास जब रिले हो रहा TV के ज़रिए से, उस वक्त में फ़ोन अवेलेबल नहीं रहता, फादर लेके चले गए, मदर लेके चले गए, वर्क प्लेस में रहे और तो बच्चों को देखने का मौका नहीं मिल रहा, तो ऐसी सूरत में टीचर्स जो हैं व्हाट्सएप पर वीडियो लेसन्स बना के डाल दिए, तो जब घर पहुंच जाते फादर मदर तो वीडियो लेसन्स को देख के और वर्क कर ले रहे जी। और इनको वर्कशीट्स भी जो है SCERT की तरफ से भेजे गए लेसन वाइज, तो वर्कशीट्स भी जो है बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल ले रहे हैं, तो वर्कशीट्स भी डाउनलोड करके बच्चे जो हैं कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो सर पेरेंट्स क्या वो आर दे विलिंग टू सेंड हिज चिल्ड्रंस, उनके जो बच्चे हैं उनको देखना चाह रहे हैं चिल्ड्रंस? इसमें जो है वेरिएशंस हैं जी, बास भेजना चाह रहे हैं, बास जो है भेजना नहीं चाह रहे हैं, बास जो है बात करना भी नहीं चाह रहे, और बहुत से गैप्स हैं। 10th क्लास के लिए तो जो है देखने में आ रहा कि मोर देन 80% to 90% स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम्स ऑन टाइम रहेंगे या वो थोड़ा फर्दर एक्सटेंड करेंगे गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट और फिर हायर ऑफिशियल्स करने की बात है, उनका डिसीशन है। तो आप जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो आपका कहना ये है कि ऑनलाइन उनके लिए कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म बना चुके हैं। अब रहा सवाल एडेड स्कूल का, वो भी हमारे पास मिल रही है जी। अब रहा सवाल प्राइवेट स्कूल्स का, क्या वहाँ पे आपको ऐसा लगा कि बच्चे आना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा आपको फील है इस बारे में कि बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं या ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं या क्या हो रहा है? तो इसमें तो बात यही है कि बच्चे तो पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस ये रिले हो रहे और हर स्कूल वाले अपने ऑनलाइन क्लासेस ले रहे व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए से और जो भी जितने मेथड्स हो सकते हैं सोशल मीन्स वगैरह उसके ज़रिए से वो लोग ट्राई कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए और हर स्कूल में हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। 10th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए तो जो है बच्चे टच में हैं, दूसरे क्लासेस में थोड़ा इरेगुलरिटीज है, अटेंडेंस सही नहीं है, एब्सेंटिज्म ज़्यादा हैं और वर्क करते हुए नहीं ला रहे। और एक ऑप्शन गवर्नमेंट की तरफ से ये दिया गया कि बच्चे जो हैं जो भी वर्क कर लिए, वर्क करने में उनको अगर कोई डाउट्स हों तो डाउट्स क्लियरेंस के लिए वो स्कूल पहुंचकर टीचर्स से कांटेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आपका जैसा स्टाफ आ रहा है या? हाँ, स्टाफ आ रहा है हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स में और एडेड स्कूल्स में 50% स्टाफ तो जो है डेली आ रहा अवेलेबल है। तो उस दौरान में इन जनरल 10 to 1 के बीच में बच्चे जो है पहुँच रहे
और अपने डाउट्स क्लियर कर रहे, वर्कशीट्स जो जो भी कर रहे, वर्क कर रहे होम में, होम एट होम दे आर प्रेजेंटिंग देयर वर्क टू द टीचर्स या होमवर्क. एंड व्हाट इज द मोड ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या गूगल मीट है या जूम है या व्हाट्सएप है या कैसा, क्या तरीके से आप बच्चों को नॉलेज? व्हाट्सएप है, जनरली व्हाट्सएप है जी. जूम से भी बस टीचर्स क्लासेस लिए हैं जी. और वैसे गवर्नमेंट की तरफ से तो रिले है टेलीविजन पर, डीडी चैनल्स पर, और डिजिटल लेसन्स का व्हाट्सएप ग्रुप. क्या टाइमिंग्स पर है? वो डिफरेंट टाइमिंग्स है, डिफरेंट क्लासेस है टाइमिंग्स के, वो हम भेजते रहते हैं ग्रुप्स में. व्हाट्सएप पर फीडबैक आया है पेरेंट्स से कि दे आर एटलीस्ट गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट? आपको कुछ आया है कुछ नहीं ऐसा? पेरेंट्स की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. क्या बच्चे खुश हैं कुछ? हम स्कूल्स विजिट किए, गवर्नमेंट स्कूल्स जी, तो वहाँ विजिट करने के बाद स्टाफ से, टीचर्स से और HMs के ज़रिए से जो फाइंड आउट करे, उसमें यही पता चला कि मोर देन 80-90% स्टूडेंट्स दे आर इन टच विद द स्टाफ टीचर्स एंड दे आर डूइंग द वर्क एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस. इफ द एग्जाम्स आर कंडक्टेड दे आर रेडी टू राइट द एग्जाम्स. सो प्राइवेट स्कूल में थोड़ा डिफिकल्टी है. हाँ जी जी. तो कुछ एक गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है सर कि ये लोग ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कुछ सॉल्व करने का, कुछ आपके पास कुछ एक स्ट्रैटेजी या कुछ सजेशंस है सर जो बच्चों को ऑलरेडी नहीं कर सके? तो असल तो पेरेंट्स की तरफ से यही बात है कि फीसेस वो लोग दे नहीं पा रहे, सबसे बड़ा मसला ये. और गवर्नमेंट की तरफ से जी वो 46 ये आ गया था, इसमें ये बता दिया गया था कि जो लास्ट ईयर फीस थी वही फीस और मंथली बेसिस पे कलेक्ट करना, ओनली ट्यूशन फीस, नॉट मोर देन दैट. ओके जी. ये प्राइवेट स्कूल के लिए आ चुका है? प्राइवेट स्कूल्स के लिए. मंथली बेसिस पे लमसम नहीं लेना जी. ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि गवर्नमेंट ये मदद कर चुकी है कि प्राइवेट स्कूल्स को मंथली लेना है और कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं. जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा. आई मीन यू नो, मैं आपसे आई कैन टेल यू वन थिंग, यू नो इट वाज रियली अ प्रिविलेज एंड प्लेजर. आवर डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर सर, ही हैड गिवन एंटायर यू नो ब्रीफ आइडिया हाउ द सिस्टम इज वर्किंग, व्हाट इज ऑल अबाउट एजुकेशन, व्हाट इज अबाउट पेरेंट्स एंड टीचर, एवरीथिंग. So indeed, you have spoken so nice, sir. Thank you very much. But I want to ask you one question, sir. Jis tarah happened, sir, wo SSC ke exams ki date ki fees kuch aayi hai ya kya hai? Dekhiye, if you can thoda bata diye to bahut acha hai. One thing it should be kept in mind that though the government has given the instructions to conduct online classes for government and aided schools, even the private schools are also conducting online classes. And they are preparing for the examinations, for SSC examinations. But so far, no clarification we received from the department to collect the SSC examination fees. Oh, you mean to say that right now there is no instruction from the government to collect the fees of examinations? Yeah. Okay. Only you have to give lessons, teach the students not to collect any kind of fees, except tuition fees. And that too by month wise, not in lump sum. That's very nice, sir. Thank you so much. So just we heard that like, you know, few of the, I mean, you know, schools, they're collecting the school fees. So is this like? Collecting of school fees is different, but collecting of examination, SSC examination fees is another thing. It should not be done because there is no clarification from the government that you have to collect the examination fees. Parents are also informed that they should not give any kind of examination fees. Only they have to give the tuition fees if they are able. And sir, if at all those can, like primary and secondary, like from LKG to 8th standard, what about their classes? If few of them they have not attended because of this, you know, so maybe they don't have internet facility or maybe they don't have mobile phones. For that, is there any government is helping them out? Because they are not going to schools. Government asks the teachers to go to the students' house personally and teach them. Wow. Yeah. What about the private schools, sir? This is for government and aided. What about private schools?
they are asking the students to attend the online classes. Okay, so if they don't have the facility, will they get some benefit or some There is some problem for the students in this case. There are variations in getting the news about the other classes, how they are going on. So some are taking very nicely, some are not taking. If the those students are not benefiting, they are not attending. If those who are not attending, for them it's a loss for them? Yeah, it's a loss for them. Even though the government has not given any deadline for them to write the examination, etc. But if they are not attending, means they are losing. It is the responsibility of the parents also to concentrate on the studies of their kids, so that they can learn. Because they are not paying fees now to the school, so they should give some other adapt some other methods, so that their board should learn. If at all they are not learning, then do that student has to be in the same class, or can they be promoted? It is not decided so far. There are no clear instructions. Thank you very much, sir. Indeed, it's a privilege, pleasure. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you for coming and giving your time. It is also very nice for me to give the some time to you, spend some time to you. I hope that the viewers will pass on the message that government has not given any instructions to collect the SSC examination fees or any examination fees. Only tuition fees should be collected, that to those who are attending the school. Those who are attending the schools, they have to pay the fee. Thank you so much, sir, for giving your valuable time.